मध्य प्रदेश की राजनीति में शिवराज सिंह चौहान को पूरी तरह से बेदखल कर दिया गया है, लेकिन शिवराज सिंह है कि मान ही नहीं रहे। अब खबरों के मुताबिक भले ही उन्हें विधायक दल की बैठक में न बुलाया गया हो, मंत्रिमंडल के लिए उनसे कुछ भी पूछा न गया हो, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए मोदी साहब की नाक में दम कर दिया है। बीजेपी हाईकमांड को चुनौती पर चुनौती दिए जा रहे हैं। देखिए अब शिवराज सिंह ने ऐसा क्या किया जिसने मोदी घबराए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पहले शिवराज सिंह को टारगेट पर लिया, फिर वसुंधरा राजे को टारगेट पर लिया, इन दोनों ही नेताओं को बीजेपी हाईकमान ने साइड किनारा कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश से दूर दक्षिणी राज्यों में इसलिए भेजा जा रहा है ताकि वो मध्य प्रदेश में रहकर बीजेपी के लिए कोई बड़ी मुसीबत खड़ी ना कर दे और मोदी की छवि को चमकाने के बजाय खुद को जनता का हमदर्द साबित ना कर दे। इसीलिए उन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति से पूरी तरह से बेदखल कर दिया गया है। लेकिन शिवराज सिंह ने भी मोर्चा खोल दिया है। विधायकों के क्षेत्र में जाकर शिवराज खुद जनता और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दे रहे हैं। आपने अगर विधायक को जिताया है तो इसके लिए हम आपके आभारी हैं। तो वही है, उन्होंने कार्यकर्ताओं से मिलकर गले लगाकर उनसे जूता पहनाकर फिर से मोदी साहब को चुनौती दे डाली है। ऐसे ईमानदार और संकल्पित कार्यकर्ताओं को जिन्होंने प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, इसके लिए उन्होंने 2017 से उन्होंने जूते पहनने और चप्पल को त्याग कर दिया था। तो मैंने कल हम सब कार्यकर्ताओं ने आग्रह किया कि संकल्प पूरा हो गया है, प्रदेश की प्रगति और विकास कर रहा है और अपनी सरकार भारी बहुमत से फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो आप कृपया करके जूते और चप्पल पहना करें। अब शिवराज सिंह ने इस कदम को मोदी साहब के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, जिस तरह से शिवराज सिंह को बेदखल किया गया राजनीति से उन्हें दक्षिण पूर्व में भेजा जा रहा है, इसको लेकर अब राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई है, क्योंकि मोदी साहब नहीं चाह रहे कि शिवराज सिंह मध्य प्रदेश में रहे। अगर वो मध्य प्रदेश में रहेंगे तो लोकसभा चुनाव के बाद वो कभी भी सरकार पर खतरा हो सकते हैं, इसीलिए मोदी साहब ने उन्हें साइड लगाना शुरू कर दिया है और ऐसे ही वसुंधरा राजे को साइड में किया जा रहा है। फिलहाल दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीवन।